लेकिन आपकी वर्ल्ड वाइड फैन फॉलोइंग है, पंजाबी है, हाँ जी, वर्ल्ड वाइड गोरे फैन नहीं है मेरे। आप हैं गोरो के फैन? नहीं, नहीं, मैं गोरी का कह सकते एक ही का, बाकी का मुझे तो लगा आपको कुछ वंडर वुमन भी पसंद है। वो उस फोटो में पंजाबी लग रही थी, हाँ जी, तो मैंने सिर्फ इतना लिखा कि कुड़ी पंजाबन लग रही, पंजाबन, हाँ जी, उसमें मैंने उसको कोई गलत कमेंट नहीं किया। हाँ, नहीं नहीं, अच्छा, क्या अच्छा, कुड़ी पंजाबन लग, हाँ, नहीं वही मैं बोल रही हूँ, गाना था पंजाबी में, कुड़ी पंजाबन लगदी है वे, कुड़ी पंजाबन लगदी है, एक गाना था। फोटो देखी तो मुझे ऐसे लगा उसने सूट पहना है और वो पंजाबी लग रही थी, वो गाना मुझे याद आया तो मैंने कमेंट कर दिया, इसलिए कमेंट किया पंजाबी में कि उसको समझ भी ना आए। तो आप, ये आपकी स्ट्रेटजी है कि उनको समझ ना आए? हाँ, मतलब क्योंकि किसी को कुछ बुरा ना लग जाए, वैसे तो मैंने कोई बुरी बात लिखी नहीं, करेक्ट, लेकिन फिर भी किसी को बुरा ना लग जाए, सिर्फ मुझे ही पता हो। लेकिन जब आप कुछ भी लिखते हैं किसी के भी बारे में, वो हेडलाइंस बन जाती है। मैं अभी कुछ एक फोटो पे लिखने लगा था, मैंने अभी नहीं लिखा, अब मैंने जज्बातों को मार लिया। तो ये एक स्ट्रेटजी है आपकी हेडलाइन बन की, या सच में? नहीं, अभी मैंने लिख के डिलीट किया। अच्छा। मैं कह यार अभी इंटरव्यूज चल रहे हैं, अभी 2-3 लोगों ने क्वेश्चन पूछ लिया कैसा, अभी और लिख दूंगा तो कल फिर उसका जवाब देना पड़ेगा। हालांकि मेरा मन था लिखने का कुछ, हाँ जी, तो अरमानों को टैग लाइन एक आई थी दिमाग में, लेकिन मैंने डिलीट कर दी फिर वो। क्यों, हमारे लिए न्यूज बन जाएगी कल वो? हाँ, लेकिन मेरे लिए तो फिर बदतर हो जाएगा ना जी, मुझे जवाब देने पड़ेगा उसका। Nothing is bad publicity. Every publicity is good publicity. बताओ मीडिया कह रहा है every publicity is a good publicity. ये तो मैं सोनी को भी समझा रहा हूँ कि every publicity is a good publicity. अगर आपके बारे में कोई बुरा लिख रहा है तो उसका पैचअप करने की बजाय उसका थैंक्स करो कि टॉक अबाउट तो हो रहा है। एग्जैक्टली, हाँ, तो बस बना रहना चाहिए। तो जितना भी बुरा भी लिख रहे हैं उनका बहुत बहुत थैंक्स है भाई, मैं आज इस माध्यम से करना चाहूंगा के, क्योंकि मैम ने भी मुझे बताया कि एवरी पब्लिसिटी इज अ गुड पब्लिसिटी।